हेलो गाइस, सो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज है मेरे दादाजी का श्राद्ध और इसीलिए मैं उठ गई थी सुबह जल्दी। और ट्रस्ट मी गाइस, पूरी रात ना मुझे नींद ही नहीं आई। मतलब बार बार नींद खुल रही थी, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। फिर मैंने सोचा कि अब बार बार जब नींद खुली रही है तो उठ ही जाती हूँ, तो फिर मैं 5 बजे लगभग उठ गई थी। और उसके बाद मैं बस ऐसे ही बैल्कनी में आई और थोड़ी देर खड़ी थी यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सुबह के टाइम में ठंडी हवा भी आती है। और गाइस, जो भी पुरानी बातें, जो भी मेमोरीज होती है ना, वो सब याद आती है तो इतना सैड फील होता है कि मतलब पहले हमारे दादाजी हमारे साथ में थे और अब नहीं है, तो बहुत अकेलापन सा फील होता है। मैं रोज़ उनको याद करती हूँ। और उसके बाद में मैं गई घर पे, मतलब मेरे मायके, तो वहाँ पर जाकर भी मतलब मुझे इतना सैड फील हो रहा था। लेकिन वो बोलते हैं ना, जब भी आप किसी के लिए खाना बनाते हो या परोसते हो तो कभी भी दुखी होकर या ऐसे मतलब खुशी खुशी मतलब सब करना चाहिए। खाना बनाना भी खुशी खुशी चाहिए और जब किसी को परोसते हैं तब भी बहुत खुश होकर परोसना चाहिए। तो बस वही मैं कर रही थी। एंड गाइस, यहाँ पर है ना, शायद कैमरा में दिखेगा नहीं आपको, लेकिन मेरे हाथ मतलब है ना काँप रहे थे। मुझे बस वो पुरानी चीज़ें याद आती थी कि कैसे मतलब जब दादाजी थे तो हम मतलब मम्मा और काकी सा खाना बनाते थे या बड़ी मम्मी, और हम जाकर दादाजी को खिलाते थे और इतनी मज़ा आती थी। सब साथ में बैठकर खाना खाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और खाने में बनाई थी हमारे घर पे खीर पूड़ी और आलू मटर की सब्ज़ी, और उसके साथ में वो कुछ पापड़ी और वो सब भी बनाया था मम्मा ने। और हाँ गाइस, ये ना गाठिया पापड़ी है, ये मेरे दादाजी को बहुत पसंद थे तो मैंने सोचा इसमें भी रख देती हूँ प्लेट में। और पता नहीं गाइस, सच में स्वर्ग से ऐसे आते मतलब हमें मिलने के लिए हमारे पूर्वज, लेकिन ये सब करके तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं बस उनको याद कर रही थी और मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था, तो मैं बस वही सब पूछ पूछ के मॉम और डैड को कर रही थी क्योंकि मैंने कभी भी पहले ये किया नहीं था। और उसके बाद मैं हम गए नीचे और यहाँ पर मॉम और डैड ने आज पूरा खाना बनाया है दोनों ने मिलकर। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे थे तो तभी मम्मी ने याद दिलाया कि एक बार भगवान जी के सामने भी ऐसे प्लेट को करके फिर लेकर जाना चाहिए। तो वही बस में लेकर जा रही थी और जैसे मैं उतरी थी ना गाइस, हमारी जो कैट है यहाँ पर, मतलब हमारे घर में नहीं पाली हमने, लेकिन वो बिल्डिंग में होती है तो हमारे घर पे ही आ जाती है, तो बस मेरे पीछे पीछे आ रही थी। और यहाँ पर देखिए गाइस, जैसे हम जा रहे थे ना तो हम हलवा तो भूल ही गए थे, तो मम्मी ऊपर से फटाफट लेकर आई क्योंकि वो फ्रिज में रख दिया था बनाकर। तो बस वही हम बातें कर रहे थे और यहाँ पर पापा जी रख रहे हैं प्लेट और पानी दादाजी के लिए। उसके बाद में हम आए ऊपर और आज ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर मैं और मम्मा इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि पापा जी अकेले किचन में थे और मैं और मम्मा दोनों अंदर रूम में थे और एसी मस्त चालू किया हुआ था और दोनों जूस पी रहे थे। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर भुआ जी आ गए, मेरे रिंकू दीदी आ गए और कविया मासी सा को तो आप सबने पहले भी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा मेरी, तो ये मेरे कविया मासी सा है। तो बस वही हम सब बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस आज तो मुंबई में, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर मासी सा सबके लिए पूरी तल रही है, तो यहाँ पर पूरा एक बर्तन भर के बना दिया था ऑलरेडी, लेकिन और भी बना रहे थे। और बाहर में सबको सर्व कर रही थी खाना, तो पूरा खाना हमने बाहर ही ले लिया था ताकि वहीं पर बैठकर अच्छे से खा सके।
तो सबसे पहले वो लड़कियों को खिलाते हैं हमारे यहाँ पर, तो इसीलिए रिंकू दीदी को बिठाया और बुआ जी को बिठाया खाना खाने। और मेरा पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, सुबह मैंने नाश्ता भी किया था तो उस वजह से भूख भी नहीं लग रही थी। और वो बोलते ना, जब एक साथ में इतना सारा खाना अपन देख लेते हैं ना तो भूख भी नहीं लगती है। तो बस मैं वही सर्व कर रही थी सबको, और यहाँ पर गर्मा गर्म पूरियाँ निकल रही है तो मैं उन सबको खिला रही थी। और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि अब घर में इतने सारे लोग आ गए थे मतलब, और जब घर के लोग होते हैं ना साथ में तो मतलब सैड वाला मोमेंट भी बोलते हैं ना, हैप्पी में कन्वर्ट हो जाता है बहुत ही इजीली। और यहाँ पर मेरे मम्मा आ गए, मम्मा यानी कि मदर इन लॉ मेरे सासू माँ, तो वो भी आ गए थे। और यहाँ पर कविया माँ, सीसा मम्मा सब हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और उसके बाद मैं मासी साहब बोल रहे थे कि यहाँ पर बहुत गर्मी है और पूरी भी तल रहे हैं, तो आप अंदर जाकर बैठो, तब तक हम आ रहे हैं। खाना बनाकर ऑलमोस्ट बन ही गया था खाना, तो यहाँ पर वही सब बातें चल रही थी। और उसके बाद में हम बैठे खाना खाने के लिए, और यहाँ पर देखिए गाइस, प्लेट इतनी भर गई है तो देख देख कर ही पेट भर जाता है, मतलब मन ही नहीं करता है खाना खाने का। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा खाया। और मम्मा, मेरे मासी सा एंड मदर इन लॉ, सासू माँ सब हम सब बैठकर खाना खा रहे थे। लेकिन मेरे मदर इन लॉ के पैर में थोड़ी सी दर्द हो रहा था थोड़ा सा, तो इसीलिए उनको टेबल दी थी तो उसके ऊपर ही वो आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। और हम सब ने साथ में मिलकर खाना खाया। उसके बाद मैं अंदर का एसी किया चालू रूम का, और मस्त बैठकर सब लोग बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और पहले की सारी बातें हम सब याद कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड बहुत ही अच्छा फील हो रहा था सब साथ में होते तो। और यहाँ पर गर्मी गाइस इतनी थी ना, तो मैंने फटाफट कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि अब जो मेरे ओल्ड क्लोथ्स है वो मुझे ना थोड़े टाइट भी होने लगे एंड मेरा मन भी नहीं करता है मतलब ज़्यादा देर तक वो टाइट कपड़ों में रहने का, तो इसीलिए मैंने फटाक से कपड़े चेंज कर लिए थे। और यहाँ पर भुआ सा और पापा जी सब हंसी मजाक कर रहे थे, तो यहाँ पर बात चल रही थी दांत के रिगार्डिंग, तो इसीलिए देखो भुआ सा और पापा जी सब कितनी हंसी मजाक कर रहे हैं, और दांत की चेकिंग हो रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर भुआ सा को पता चल गया कि मैं वीडियो निकाल रही हूँ तो हंसने लगे। और उसके बाद में महिला मंडल निकल पड़ा दूसरी जगह के लिए, आक्रमण के लिए। तो हम जा रहे थे मेरे घर पे यानी कि ईस्ट घर पे मेरे ससुराल में, तो मेरे बुआ जी और रिंकू दीदी अभी तक आए नहीं थे मतलब उन्होंने मेरा घर नहीं देखा था, तो इसीलिए हम सब साथ में जा रहे थे ईस्ट घर पे। और दो रिक्शा किए थे तो एक में वो तीनों बैठे और एक में हम तीनों। और फिर जैसे ही गाइस हम उतरे तो सामने देखा पानीपुरी वाला, तो मेरा और रिंकू दीदी का इतना मन किया फिर हम सब यहाँ पर खाने लगे। और उसके बाद में हम आए ऑफिस में, हमने हमारी ऑफिस भी दिखाई और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर भी देखो एकदम हंसी मजाक ही चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती है गाइस जब सब साथ में होते हैं। और फाइनली फिर घर पे पहुँच कर हमने एकदम आराम किया थोड़ा। और यहाँ पर देखो रिंकू जी जी हमें स्टेप्स करके बता रहे हैं गरबा के, उन्होंने एक्चुअली अभी रिसेंटली गरबा क्लास ज्वाइन की है, तो बस वही वो स्टेप्स करके बता रहे थे और हम सब देख रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही थी। और बस उसके बाद में वो सब निकल पड़े। और बहुत ही ज़्यादा थकान भरा दिन था आज का, और पता नहीं क्यों गाइस आजकल ना पैर बहुत ज़्यादा दुखते हैं मेरे, तो इसीलिए मैंने गर्म पानी किया था थोड़ा और उसमें 15 मिनट्स के लिए मैंने पैर को रखा था, तो इतना रिलैक्स फील हो रहा था। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई